नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के संग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, संग्राम सीरीज जो आप देख रहे हैं इसका मकसद है कि आपके मेंस में कैसे मार्क्स को इनहेंस किया जाए। मकसद क्लियर है तो जितने एस्पिरेंट इस वीडियो को देखते हैं गाइस, सेशन को सबसे पहले सेशन को उठाएं और शेयर करना चालू कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, जिन भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, भाई बहन दोस्त, जो भी बच्चे इस बार मेंस देने जा रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट जो मेंस इस बार लिखेंगे आने वाले वक्त में, उन सभी के लिए वीडियो काम का है। क्योंकि आमतौर पे नॉलेज होना और मेंस में उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपके पेपर में कभी 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 4 मार्क्स, कभी 8 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स के, इन सभी सवालों का उत्तर हम किस तरह से सटीक तरीके से लिख सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आइए देखते हैं कि 2 मार्क्स में आपके कौन सा क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ सवाल रखा हूं, मैं चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर के आए सवालों को देखेंगे तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगा कि सर वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम लोग लैंग्वेज को कहां पे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। क्योंकि आमतौर पे मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज आप सभी को एक डराने का काम करता है। फिर मैं अक्सर बोलता हूं लैंग्वेज उतना चैलेंजिंग काम नहीं है, अगर आपको प्रोसेस दिमाग में चल रहा है तो उस प्रोसेस को देख करके लैंग्वेज लिख लेंगे हम लोग, है ना। आ जाइए, तो पहला क्वेश्चन आप देख सक रहे हैं ना, वैदिक मैथ से है। 2017 में 2 मार्क्स में वैदिक मैथ में क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़े थे उनको ये बात पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन के यहाँ पे 4 अलग अलग रूल होते हैं, उसी में से एक होता है निखिलम विधि, है ना। हालांकि 2021 में भी निखिलम विधि से क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पे उसकी जांच करने की भी बात किया गया था। अगले जो वीडियो होगा हमारा, अगला जो सेशन होगा पार्ट 3rd होगा, उसमें हम उस क्वेश्चन को रखे भी है और हम बताएंगे भी कि वैदिक मैथ में विजांग से कैसे चेक किया जाता है। फिलहाल आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है सर, 93 × 9 = 95 का मल्टीप्लाई कर दिए और इसको किससे करना है, निखिलम विधि से। तो मैं सारे बच्चों को कौन है ना बताता चल जाओ, निखिलम विधि क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, आई बात हम लोग करते चल जाते हैं, ठीक है। लिखा शुरू करूं, आओ मेंस की तरीके से लिखिएगा, हल में निखिलम विधि से सॉल्व कर रहे तो आपको निखिलम विधि लिखना है, निखिलम विधि से, निखिलम विधि से। अब क्या होता है निखिलम विधि में, क्या होता है बेटा समझो, जो नंबर है ना वो 93 × 95, इसमें आपको आधार और उपाधार को सिलेक्ट करना होता है। ये सारी बातें आप लोग बेसिक क्लास में पढ़ाते रहता हूँ कि आधार उपाधार किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पे उपाधार की कोई बात नहीं है, जो नंबर है वो 100 के आसपास है, तो यहाँ पे आधार किसको मानोगे आप लोग सारे बच्चे बताओ। सर यहाँ पे ना आधार जो मान लेंगे हम लोग वो हमारा 100 होगा, 100 के आसपास के नंबर है तो स्वाभाविक आधार को क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पे 100 मानेंगे। अब होती क्या समझो, आपके पास संख्या दिया हुआ तो इधर लिख लो आप संख्या, एकदम मेंस में जिससे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना आपको, इधर संख्या लिखें बेटा, इधर विचलन लिखेंगे हम लोग। ये संख्या और इसका विचलन को ऐसे प्रॉपर वे में आपको लिख करके दिखाना होगा। सर संख्या कितना बेटा, 93, ये दूसरी संख्या कितना बेटा, 95, आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर इसके विचलन, तो बेटा विचलन कैसे निकलेगा, तो जो आधार है उसी से आप इस नंबर का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो सर ये आधार से ये नंबर 7 कम है, यानी कि आपका जो विचलन होगा कम है तो माइनस हो जाता बेटा, और अगर ज्यादा होता जैसे यहाँ पे नंबर 105 होता तो 100 से कितना ज्यादा होता, 5, तो हम लोग उसको +5 दिखाएंगे, लेकिन ये 100 से कम है तो मैं नेगेटिव में होगा, यानी विचलन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर क्या है। आधार से छोटा है तो विचलन नेगेटिव लेंगे, आधार से बड़ा है तो बेटा पॉजिटिव लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर अच्छा विचलन यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके इस नंबर का विचलन क्या होगा, 93 का विचलन क्या होगा, -0.7। सर 7 क्यों नहीं लिखे, 0 क्यों लिखे, तो आधार पर जितना 0 होगा बेटा याद रखिएगा विचलन आपको हमेशा उतना ही डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो आधार पर 2 जीरो है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल डिजिट में दिखाना होगा 0.7। आइए इसकी तुलना करो सर 95 का करेंगे बेटा, यहाँ पर माइनस का 0.5 हुआ, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करने जाना, सुनिए यहाँ पे आप लिखते चल जाना उत्तर का दाया भाग और उत्तर का बाया भाग। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहला काम। जी सर 7 × 5 कर लूं हम बोले, हाँ 7 × 5 35 होता है, और सर ये हमेशा डबल डिजिट ही होगा ध्यान रखिए, क्योंकि विचलन देखो यहाँ पे आधार पे 00 है तो याद रखिएगा कि आंसर का जो है ना राइट हैंड साइड होगा इसमें आपको उतना ही डिजिट लिखना है जितना आपका विचलन होगा। सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये प्रोसेस देखो दोनों को लिखना पड़ेगा यहाँ भाषा में। अब क्या करते हैं बस, अगर इस संख्या लोगे बेटा, अगर इस संख्या लोगे तो इसका विचलन नहीं लेना है, इसके दूसरे वाले संख्या का विचलन लेना है, मतलब अगर 93 लिए तो दूसरे संख्या का विचलन को लेना पड़ेगा, और सर और हम बोले हाँ अगर सेकंड नंबर लोगे तो फर्स्ट नंबर के विचलन को लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो 93 और -5 करोगे बेटा यहाँ पे मिलेगा क्या, 88। तो आपने क्या किया, ये बात आपको यहाँ पर लिख के दिखाना है, बोले ठीक है क्या किए, आ जाओ उत्तर का
उत्तर का कौन सा भाग? दायां भाग, राइट हैंड ऑफ, है ना, आंसर। सर पहला आपने ऐसा काम किया मिथुन, सर आपने विचलनों को गुणा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अब उत्तर भाग में क्या किया, विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल, एकदम प्रॉपर ये बात आपको यहाँ पे लिख ही देना है ना, गुणनफल। दूसरा यहाँ पे समझिए, दूसरा पार्ट में अपना उत्तर का कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में क्या लिखे, उत्तर का लेफ्ट साइड ऑफ आंसर, उत्तर का बायां भाग, बायां भाग क्या होगा सर, बोले बायां भाग में क्या की, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दो। सर आपने एक संख्या लिया प्लस दूसरे संख्या का विचलन को क्या किया, बोलो, जोड़ दिया, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना, संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, ये बात आपको प्रॉपर लिख के दिखाना होगा, नहीं विचलन हो गया क्या, ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देना पड़ेगा, हो गया जी सर। अब जो है सो ये आपको लिख देंगे, ये इधर लिख देना, इधर लिख के बाद आप सीधा सीधा आंसर आ गया, 8835 इज योर आंसर, इसलिए अतः उत्तर बराबर 8835। इसको हाईलाइट करना होगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो ताकि आंसर उसको डायरेक्ट पता चले, बस दो मार्क्स का सवाल है, तीसरे ज्यादा आपको करना भी नहीं है, हमने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस बर्बाद किया, आप वहां पे मत करना, क्लियर है। तो आप समझ पा रहे कि सर आपको दो मार्क्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, और निकिलम विधि है ना एक आसान सा चैप्टर है, आपको पढ़ना चाहिए, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़े होंगे या जो बच्चा हमसे ऑनलाइन जुड़ा है उनको ये बात, मेरा वीडियो ऑलरेडी मिल चुका होगा आप सभी तक, है ना, कि वैदिक मैथ्स को पढ़ते कैसे, कितने विधि होते हैं, एक एक चीज को लिख करके बताया हूँ, और ये चार वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि है ना ज्यादा ज्यादा सवाल वैदिक्स का भी रखा जाए। आइए अगला सवाल दो मार्क्स में, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बहादुरों, ये क्वेश्चन बिल्कुल परसेंटेज का है, दो मार्क्स का है, मतलब उसी तरीके से सटीक वे में आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आगे बात करें हम लोग, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोला सर, किसी संख्या का दो सही 1/3% 42 है तो संख्या क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बेटा, जाओ, है ना, हल में क्या कर रहा है, माना कि संख्या बराबर x, पहले सबसे पहली बात जिस संख्या की चर्चा बेटा कर रहा है उस संख्या को पहले आप मानना सीखो, है ना, जिस नंबर को मानने की बात कर रहा है हमने यहाँ पे मान लिया है, माना संख्या बराबर कितना होगा बेटा, x होगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है सर, देखो प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या का, हमारे ठीक है, तो किसी संख्या का कितना परसेंट बेटा, 2 सही, किसी संख्या का 2 सही 1/3% जो होगा सर वो किसके होगा, बोलो 42 होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन बोला है, ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा बोला, तो इसको आप चाहो तो यहाँ पे प्रश्नानुसार भी बता सकते हो, प्रश्नानुसार, ठीक है सर, क्या बोला है, बोला सर किसी संख्या जिसको x माने थे इसका 2 सही 1/3% की अगर बात करो बेटा तो ये किसका होगा, 42 के बराबर होगा, बोले जी सर, है ना, आ जाइएगा सभी बच्चे, आप इसको एक बार सॉल्व करना होगा, मेंस है तो आप डायरेक्ट 2 सही 1/3% की फ्रैक्शन को डील नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा, 3 × 6 और 1 = 7 यानी एक्स का बोलो 7/3 और परसेंटेज का लिखा जाएगा बेटा 1/100 और बराबर कितना हो गया, बोलो 42। अब यहाँ पे 7 से इसको काट के नहीं दिखा सकते, ये आपको मन में करना होगा, मेंस के उत्तर में आप यही पर काट के नहीं दिखा सकते, तो आप ये मान लो मन में काट दिया हूँ 6 बार में, देखो ना 7 से करेगा 6 बार में, और ये 3 से गुना होगा 6 × 18 और 00 चिपक जाएगा, मतलब यहाँ से अगर x बराबर निकाला जाएगा तो सर ये कटा चुका हूँ 6 × 3 = 18 और 00 चिपक जाएगा, ठीक है, अतः संख्या बराबर लिख लो, अतः संख्या बराबर 1800, एकदम सिंपल तरीके में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको बेटा, ये हो जाएगा आपका उत्तर, है ना, 2 मार्क्स का है तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को खत्म भी करना होगा। अगर सारे बच्चे इस बात को समझ गए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता देना, सर बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ, है ना, आइए 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिया और आप दोनों ही समझ गए। अब हम आप पर आने वाले जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो 4 मार्क्स के एक सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस से रखा हूं, जल्दी से क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे आ चुका, पढ़िए फटाफट से और आइए देखते हैं मेंस का हमारा अप्रोच क्या है और किस तरीके सवाल को डील करेंगे, ना आइए पढ़ते हैं, 4 मार्क्स में है तो वर्ड लिमिट को थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों, ना बोला सर एक दुकानदार के पास टोटल 1000 kg चीनी है जी, जिसमें से वो है ना कुछ भाग को यानी 1000 में से कुछ केजी बेचा होगा, 10, 20, 1000, 2000, 200, 300 कुछ बेचा होगा, टोटल 1000 kg चीनी है बेटा, उसमें से कुछ केजी को वो क्या किया है 8% की लाभ पर बेचता है और जो बाकी जो शेष पार्ट है ना बेटा शेष को वो 18% के लाभ पर बेचा, यानी कि 2 अलग अलग पार्ट में बेचने के बाद जो है सो सवाल क्या बोल रहा है कि ओवरऑल सर दोनों को मिलाने के बाद
कुल यानी कि टोटल 1000 पर उसको 14% का लाभ हुआ है, तो सर ये बताइए कि 18% लाभ पर कितने केजी चीनी को बेचा गया। हम बोले ठीक है सर बता रहे हैं, होल्ड करना बेटा आ जाओ, है ना। पहले तो चलिए ठीक है, दिया है चीनी की कुल मात्रा, चीनी है ना, हाँ चीनी की कुल मात्रा कितना दिया जल्दी बताओ सर, 1000 केजी ना, 1000 केजी। अब पूछा था सर 18% के लाभ पर कितना किलो चीनी बेचा था, बोले ठीक है अब हम लोग यहां देखते हैं, माना माना कि 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, बेची गई चीनी की मात्रा, लेट द है ना अमाउंट सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इक्वल टू कितना बेटा एक्स के जी, सीधा है ना। तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, मात्रा क्या हो गया बोलो सर, ये तो हो जाएगा हमारा एक्स के जी। तो यहाँ पे तुरंत आपको रिप्लाई करना था तुरंत, तो भाई अगर ये मान लिए तो दूसरा तो पता चल जाएगा, फिर 8% है ना, 8% लाभ पर कितना बेचा ये बता दो, 8% लाभ पर वो था ना 18 का 8 था, बेची गई चीनी की मात्रा, अमाउंट ऑफ सुगर सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1000 माइनस एक्स होने वाला है, क्योंकि एक्स बेच दिए तो जो बचेगा वो 1000 माइनस एक्स होगा। तो चीनी की जो मात्रा होगी, भाषा को डेवलप करना आप सभी को, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस एक्स के जी। अब हम लोग प्रश्नानुसार चलो शुरू करते हैं सवाल को। अब प्रश्न हिसाब से बोल रहा है, देखिए ध्यान से प्रश्न बोल रहा है सर देखो, 8% पर जो चीनी बेचा हुआ है ना, देखो 1000 माइनस जो एक्स है उस पर कितना बेचा हुआ लाभ कितना मिला उसको, 8%, तो यही खत्म करो ना सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1000 माइनस एक्स जो बिका बेटा, ये 8% लाभ पर बेचा, मतलब 8/2 कितना होगा बोलो, 100 होगा ठीक है, प्लस एक्स किलो जो चीनी बेचा है उसको ये लो 18% के लाभ पर बेचा है, तो 18/100 और बराबर जो ओवरऑल मतलब सर जब दोनों को मिला दिया जाएगा, तो मिलाने के बाद तो बेटा 1000 किलो चीनी है, देख सकते हो आप 1000 किलो चीनी है राइट, तो 1000 किलो जो चीनी है बेटा है ना, तो 1000 के लिए चीनी पे कितना लाभ कमाया ओवरऑल, ये 14% है ना, 14/100। हालांकि प्री में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच आपको पता कि अलग होगा, वहां पे एलिगेशन मिक्सर लगाएंगे और सवाल को 10 सेकंड नहीं लगने देते, हम लोग खत्म कर देते, लेकिन मेंस में प्रॉपर लिखना पड़ेगा। एक बात बताओ, मन में एक बात बताओ, क्या हम ये 100 को मन में कॉमन नहीं कर सकते थे? जी सर कॉमन कर लेंगे, तो सीधा सीधा मान लो कॉमन हो गया, 8 से गुना करो, 8 × 1000 हो जाएगा सर 8000 है ना, माइनस हो जाएगा सर ये 8x और प्लस ध्यान सर ये हो जाएगा 18x ठीक है, बराबर क्या होगा बेटा 14000। ये 100 कहाँ चला गया, ये आपको समझ में आ गया सर, 100 हमने कॉमन करके हटा दिया। अब एक्स को एक साइड ले जाओ और इसको एक साइड ठीक है, तो माइनस 8x और प्लस 18x बचेगा सर 10x, सर 14000 में क्या करूं घटा दूं इधर को, हम बोले घटा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, देखो है ना कैलकुलेशन आपको आसानी समझ में आ गया सर, 14000 में 8000 घट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा बोलो, 6000 बचेगा ठीक है, 6000 है ना, बहुत बढ़िया। तो सर ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या बचेगा जल्दी कमेंट करना सर, x बराबर बचेगा कितना 600 ठीक है, यानी कि 600 केजी आपका आंसर मिल रहा है, देख लो ध्यान से ना। तो अतः लिख लेना अतः 18% है ना लाभ पर बेची गई चीनी है ना, लिख लीजिए आंसर आ गया, बेची गई चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा इक्वल टू जो होगा कितना होगा बेटा 600 केजी होगा। देख पा रहे हैं क्या, 1000 में से 600 केजी जो चीनी होगा वो हम लोगों ने कितने पे बेचा, 18% के लाभ पर, मतलब बाकी जो 400 केजी होगा बेटा वो 8% के लाभ पर होगा, बात खत्म। तो आपको 4 मार्क्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये सटीक तरीका लिखने का। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लोगे है ना, लेट टोटल अमाउंट ऑफ सुगर इक्वल टू कितना 1000 केजी है ना, 1000 केजी, लेट द अमाउंट है ना ऑफ सुगर सोल्ड एट द 18% प्रॉफिट इक्वल टू एक्स केजी। हालांकि क्लासरूम में तो बाइलिंगुअल चलता है ना, तो यहाँ पर ज्यादा थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, सो किसी एक मीडियम को चुनता हूँ, ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसे यहाँ पर थोड़ा हिंदी मीडियम को ज्यादा तरजीह देता हूँ, लेकिन क्लास में बाइलिंगुअल ही क्लासेस होती मेरी हमेशा के लिए ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा, और आप फाइनली लिख दीजिएगा कि सर हमारा आंसर कितना हो गया 600 केजी। आइए एक और क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, 4 मार्क्स में पूछा है 2015 में CGPSC के मेंस में। हालांकि क्वेश्चन
एज का है और ये एज क्या है सर, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का एक स्पेशल एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, तो कोई तकलीफ वाला बात किसी बच्चे को होना भी नहीं चाहिए था। आइए पढ़ लेते हैं। बोला एवरेज एज जो है सो तीन लड़के का वो 24 साल है, बढ़िया। बोला सर उनकी जो है सो उम्र का जो अनुपात दिया वो 5:6 कितना दिया बेटा, 7 दिया है, तो सभी का उम्र बता दो। हम बोले ठीक है ना, चले दिया है, क्या दिया बेटा यहाँ पे, दिया जो है लिख लो उसको, दिया है तीनों की औसत आयु, तीनों की औसत आयु एवरेज एज ऑफ ऑल द थ्री बॉयज इक्वल टू कितना है, 24 साल दिया है। ये क्वेश्चन में दिया था तो हमने यहाँ पे 14 इयर्स, आप वर्ष लिख लेना, मैं इयर्स लिख देता हूँ, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप वहां पे वर्ष ही लिख लीजिएगा ना, 24 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है इतना। अब केड़ा क्या होगा कि तीनों की उम्र का रेशियो दिया हुआ है। नहीं नहीं सर, आपने कहा था कि मेंस लिखने जा रहे हैं ना, तो रेशियो को रियल नंबर के पहले बराबर कर लो। कैसे लिखते रहिए सर, तो सर उसको ना हम लोग उसमें एक्स या वाई या जेड को वेरिएबल चिपका देंगे। तो लिखे माना, माना तीनों लड़कों का, ठीक है, माना तीनों लड़कों, तीनों लड़कों की आयु क्रमशः, आयु क्रमशः मतलब पहले लड़का का ये होगा कितना हो गया 5x, 6x तथा 7x है। लेट द एज ऑफ ऑल द थ्री बॉयज आर 5x, 6x एंड 7x रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब हम लोग क्या, अब जो प्रश्न अनुसार देखिए ध्यान से, अब प्रश्न क्या के हिसाब से एक बात समझते हैं। सर ये औसत बोला, औसत तो आप मान लो कि एग्जामिनर को ये पता ही नहीं कि औसत क्या होता है, उनको समझाना पड़ेगा। देखो सर औसत बराबर क्या होता है, बोले क्या होता है बेटा बताओ, तो औसत बराबर क्या होता है ये आपको उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो औसत आयु जो है ना, औसत बराबर क्या होता है, औसत आयु कैसे निकलेगा, देखो तीनों के आयु का योग क्या होता है बेटा, तीनों के, तीनों के आयु का योग है ना, योग होगा और अपन जो होगा बेटा क्या होगा बोलो, अपन क्या होगा, 3 होगा, ऐसे चला दिए ना, ठीक है। तो ये बात आपको बताना पड़ेगा। अगर बेटा अगर 3 नंबर है, तीनों को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है, संख्या का योग होता, अपन क्या होता, कुल संख्या होता, ये बात आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो सर औसत आयु बराबर क्या होगा, तीनों की आयु का योग और अपन क्या होगा, 3 होगा। सर 4 होता तो क्या करते हैं, बोले चारों का औसत आयु के लिए चारों का योग होता और 4 से भाग देते, ठीक है, ये बात को समझना पड़ेगा। तो सर कर लो, हम बोले हाँ कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो यहीं पे रख देता हूँ, आ जाओ यहाँ पे जगह। सर ये औसत आयु तो 24 साल दिया, बोले ठीक है आ जाइए। यहाँ पर देखो सारे बच्चे जोड़ना चालू करिएगा, 5x प्लस कितना बेटा यहाँ पे 6x प्लस का कितना हो जाएगा 7x और डिवाइड बाय कितना होगा 3। तो इसके नीचे नहीं कुछ है तो बेटा 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 24 दिया 72 होने जा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए सर ये कितना होगा 13 और 8 कितना होगा 13 और 5 18, तो 18x इक्वल टू हो जाएगा कितना 72 और 18 चौका 72, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा बोलो 4, और x बराबर 4 निकल गया, मतलब हम तीनों लड़कों का क्या करते हैं उम्र निकाल सकते हैं जैसे, है ना। तो अतः यहाँ पे लिख दो, जगह होता आपके पास वहां पे, अतः पहला लड़का है ना, का आयु कितना होगा बेटा जल्दी बताओ। सर फर्स्ट का जो आयु होगा ना वो हमारे बोले थे सर यहाँ 5x, हम बोले हाँ ठीक है, तो 5x, x का मान कितना निकाले सर, x का मान 4 निकाले, 4×5 कितना होगा 20 वर्ष, क्या होगा 20 वर्ष, ठीक है, ये बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा आओ यहाँ पे, तो सर था ना दूसरा है ना, एज ऑफ क्या फर्स्ट बॉयज इक्वल टू 5x इक्वल टू 20 इयर्स, ऐसे लिख देना आपको, दूसरा लड़का का आयु, आयु जो है बराबर कितना है बोलो सर 6x, मतलब x का मान कितना बेटा बोलो सर, x का मान ना हमारा देख लो 4 है, तो सर 6×4 कितना होगा बेटा 24 होगा ना, तो सर 24 वर्ष होगा, गुड आ जाओ 24 तथा तो तीसरा लड़का का आयु, एकदम बिल्कुल लिख रहा है, 4 मार्क्स में सवाल है तो इससे 4 मार्क्स फ्री नहीं मिलता बेटा ना, ये बात ध्यान रखना। क्या होगा सर ये तो हमारा था 7x, हम ठीक है 7×4 हो जाएगा 28 वर्ष, तो आप यहाँ से इसको उत्तर के तौर पे लिख सकते हो ना, तो दिस इज योर आंसर। तो जब 4 मार्क्स में सवाल हो तो हमारी अप्रोच क्या होती है, एक बार आप समझ पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको एक पूरे सटीक तरीके से लिखना होगा। हमने देखा कि सर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन है, आइए हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं जो 8 मार्क्स के सवाल है।
आखिर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को पेपर में कैसे डील करोगे? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे जो भी मेंस लिखने जा रहे हैं, है ना। हालांकि मैं 4 वीडियो के थ्रू आपको मैथ्स में वो आइडिया तो दे ही दूंगा कि सर मेंस में लिख करके कैसे आता है, कि लिखने का क्या स्किल होता है। हालांकि नॉलेज अगर आपको है तो राइटिंग स्किल में इन 4 वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपके अंदर डेवलप कर दिया जाए, और वो जो लैंग्वेज का जो डर है बेटा वो तो भगा ही दूंगा मैं ना। आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया हूँ 8 मार्क्स का, 2014 में पूछा गया था। मैं चाहता हूँ कि इसका सटीक आंसर क्या हो सकता है। ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस पे मिक्स करके दिया गया था। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। बोला सर एक मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है वो 400 दिया, तो मूलधन ज्ञात करिएगा। हम बोले ठीक है आ जाओ, पहले जो दिया गया उसको एक बार फटाफट से हम लोग मेंशन कर देते हैं। 7-8 मार्क्स का बेटा, तो हर छोटी बात को मेंशन करके ही चलना होगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। नहीं आइए, हल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिया है 2 मार्क्स में दिया है, हम जनरल नहीं लिखते क्योंकि वो बहुत ज्यादा सवाल बड़ा होता नहीं है और हमें स्पेस भी कम होता है, तो वो अभी स्किप कर देते हैं। दिया है क्या दिया है सर यहाँ पे ना, मूलधन है ना, यहाँ पे देखो दर दिया हुआ है, दिया हुआ है दर, पहले दर दिया, दर लिख लो, दर को बड़ा रेट बोलते हैं, तो इसको आर से दिखाता नहीं, आर कितना है बोलो 10% प्रतिवर्ष, वार्षिक दर का मतलब होता प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष दिया हुआ है प्रतिवर्ष, ठीक है। और सर यहाँ पर समय भी तो दिया, यहीं पे लिख दूं, यही लिख समय, इसको बोलता टाइम है ना, तो ब्रैकेट में टी लिख दीजिएगा। कितना दिया सर 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 वर्ष है, और कुछ दिया नहीं ना सर, मूलधन पूछा है तो हम बोले हाँ, अब दिया गया उसकी कहानी खत्म करिएगा। अब हम लोग मानते हैं कि सर माना मूलधन बराबर ही मानना पड़ेगा, है ना, माना कि अब मूलधन मान लीजिए, क्या बोला सर मूलधन ज्ञात करिए, तो माना मूलधन मतलब लेट प्रिंसिपल इक्वल टू, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलेंगे, तो मूलधन को हम लोग पी रुपीज मान लेते हैं ना, पी रुपीज मान लेते हैं, ठीक है बेटा। आपका मन एक्स मान लो, आपका मन वाई मान लो, तो मूलधन को आमतौर पर पी से दिखाते हैं, तो हम पी ही मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जाओ अब हम लोग सीधा एक बात समझते हैं कि सर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोला, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? हम बोले बड़ा सिंपल है यार, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला भी होता है, तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। नहीं आ जाइएगा, दो तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, मिश्रधन माइनस क्या होता है बेटा ब्याज होता है, ये मूलधन होता है, इससे भी निकाल लेंगे हम लोग, या तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों से। हाँ तो यहाँ पे लिखो, चूंकि ये आपको पता है कॉन्सेप्ट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, इसका एक फॉर्मेट क्या होता है बेटा? सर ये फॉर्मेट इसका ये होता है, ध्यान समझना, ठीक लिखो यहाँ पे, एक तो होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन कर दो, या तो फिर इसको डायरेक्ट लिखोगे तो मूलधन, ठीक है ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, मूलधन जो है सो यहाँ पे समझ लो ध्यान से, सर ये 1+ है ना, यहाँ पे समझो आर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे दर लिख दूं आर, तो यहाँ पे लिख दूंगा आर बटे 100, और यहाँ पे टाइम हम टी दिखा सकते हैं क्योंकि हम टाइम को पहले ही मेंशन कर दिए थे, ठीक है। और माइनस क्या होता है बेटा 1 होता है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला किसका बोलो सर, मूलधन इनटू क्या होता है 1+ दर बटे 100 का पावर समय, और माइनस क्या होगा टी। हम समय यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम पहले ही दिखा सकते हैं सर टी को, हम किसको दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पे समय नहीं लिखोगे चलेगा, है ना। अगर कोई बच्चा जो ज्यादा ये लगे तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि सर ऐसा कर लो कि 100 है ना, 1+ दर बटे 100 और पावर समय दिखा देना, लेकिन अगर हम टी भी दिखा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही टी को मेंशन कर चुके हैं। आ जाइए फटाफट से रखना चालू कर देते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा हम बोले बताते हैं बेटा। आ जाओ यहाँ पे सर, हम लोग ना मूलधन को माने थे पी, बहुत बढ़िया शानदार, ब्रैकेट बंद कर लो, 1+ दर कितना आपका 100, ये 10 है दर, दर कितना बेटा 10 है, 10/100, और टाइम 2 साल है तो 2 साल लिख ले, माइनस का 1 लिख लेंगे, आराम से सॉल्व करते चल जाएंगे, घबराना मत, कोई बच्चा घबराइएगा मत नहीं। तो सर यहाँ से क्या होगा, हम बोले बेटा सुनो ये कटाओगे तो क्या होगा 10, तो 10 से कम 10+1 यानी कि ये क्या होगा सर, सर ये 11/10 का होल स्क्वायर होने वाला है, बहुत शानदार, और सर ये -1 होगा, ये बड़ी ब्रैकेट लिख लो आप। कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है ना, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ से बड़ा सिंपल हो गया, हम बोले क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप और ले रहा हूँ, पी इंटू देख लो ध्यान से सर, ये 121/ कितना हो गया बेटा 100 हो गया, और ये -1 है देख लो ध्यान से, तो जब ये 100 से इधर इंटू होगा तो क्या होगा बेटा 121-100, मतलब यहाँ लिखो कोई दिक्कत तो नहीं, आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ से जो हमारा है ना चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है सर, ये पी इंटू आएगा, क्या बोलो सर, 121 और माइनस का 100 और बटे जो आएगा बेटा वो हमारा होगा सर 100, बहुत शानदार बहुत शानदार, यानी कि ओवरऑल बोले तो सर ये 21/100 पी आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, आधा क्वेश्चन में सभी सॉल्व हुआ है।
अगर हमसे कोई पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो हम फिलहाल यहां तक पहुंचे हैं, रुक जाना ना, ये हमारा क्या बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहां से बात हमको या तो रफ करना पड़ेगा या तो हम अलग पेज पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग क्या लिखाएंगे, अब हम लोग लिखा लेंगे क्या सर, हमको बताइए साधारण ब्याज। अब यहाँ सब साधारण ब्याज शुरू करूं, है ना, आप लिखो साधारण ब्याज बराबर, जगह कम है लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे, यहीं पे लिखें इसको। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है सर, अभी आप बोले थे ना इसको मूलधन प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि दर इंटू क्या होता है बेटा समय और डिवाइड बाई 100 होता है। ये किसका बात है, इस तरह साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को निकालना होगा तभी तो उसका अंतर करोगे ना। जी सर, आपने मूलधन को पी माना था, रेट यहाँ पे कितना है 10 और टाइम कितना है 2 और डिवाइड बाई कितना होगा 100। नजर डालिएगा क्या, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर इसको और भी डिवाइड कर सकते, मत करो डिवाइड, रहने दो इसको 2p अपॉन रहने देना, या फिर रहने दो 20 यार, मत कुछ मत करो क्योंकि नीचे 100 है इसमें ना, तो इसको छेड़ने का कोई फायदा है नहीं, तो हम बोलते हैं मत छेड़ना, इसको नीचे 100 रहने दीजिएगा। यहाँ पे अभी बोलो सर ये होगा 20p/100, बात सबको क्लियर हुआ, तो ये आपके साधारण ब्याज हो गया, ये आपके क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए अब प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला सर दोनों के बीच का अंतर कितना, बोलो सर 400। तो मैं इसको यहीं पे आगे एक पेज को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दिया है, बोलो सर वो तो दिया हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इसी का अंतर, ये क्वेश्चन बोला था, प्रश्न बोल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 400, ये क्वेश्चन दिया है। जी सर दिया हुआ है, आइए इसका मान को यहाँ पे रखना चालू करिएगा। सर ये तो 120, सॉरी ये तो 20 कितना था बेटा, यहाँ पे बताओ सर ये 21p था जी, और अपन कितना था बेटा 100 था, कहाँ से था सर, अभी नीचे पीछे देख लो ना, यहाँ पे ये 21 अपन कितना था बेटा सर 100 था, बहुत शानदार, आ जाओ माइनस यहाँ पे क्या होगा सर ये बताओ, हम बोले यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये था 20p अपन कितना था 100, और इसी का मान आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 400 दिख रहा है, तो क्या करूं, हम बोले कुछ मत करो, 21 में से 20 चला गया तो क्या हो गया p, और p बटे क्या हो जाएगा बोलो 100, और बराबर हमारा क्या हो गया बोलो सर है ना 400, तो ये 100 से उधर गुना कर लोगे तो आप लोग प्रिंसिपल बता दोगे कितना सर 40,000, अतः लिख लो। अब लास्ट में लिखेगा हैंस प्रिंसिपल इक्वल टू अतः मूलधन हैंस प्रिंसिपल इक्वल टू मूलधन बराबर कितना बोलो 40,000 रुपया। ठीक है भाई, इसको लिख लेंगे, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया है। तो इसमें आपके एक नंबर भी वो नहीं काट सकता जो तरीका मैंने आपको लिखने का बताया है, तो भाषा बस इतना ही सा है, और बस ये भाषा और कैलकुलेशन के बीच का जो गैप है बेटा उस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखने की बात को ना। तो हमने देखा कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील कर रहे थे, इस बात को भी आपने बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखा। आगे बढ़ते हैं सर, DI को लेकर हम लोग मिस नहीं कर सकते सर, आइए कुछ आपको DI भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर आपको क्लासरूम में भी फैकल्टी छत्तीसगढ़ में DI नहीं पढ़ाना चाहता है ना, तो DI बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि चारों सेशन में कुछ ना कुछ DI के क्वेश्चन को रखा जाए, ताकि आपके अंदर एक DI की समझ डेवलप हो, क्योंकि अगर मेंस के सेक्शन में कोई सबसे आसानी से कोई नंबर ला सकता तो वो आपके DI है, तो DI को ऐसे स्किप मत कर दो आप, मैं बोलता हूँ उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, राइट। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं मेंस के लिए, है ना सर, ये क्वेश्चन दिख रहा है, बोले हाँ बेटा हमको दिख तो रहा है DI, तो सर आपने कहा था मिथुन सर कि DI को समझने के लिए सबसे पहले मेन हेडिंग पढ़ना पड़ता है, हम बोले हाँ, इस डायग्राम को देखकर DI नहीं समझ पाओगे आप, आपको DI के लिए क्या करना पड़ता है, आपका ये जो मेन हेडिंग लिखा है ना, ये मेन हेडिंग सर इसको पढ़ना पड़ेगा, हम बोले हाँ तो पढ़ो, बोले सर दी गई तालिका का अध्ययन करते हैं तो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है, तालिका में क्या लिखा बेटा, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा 5 विषयों में जो है अंक जो प्राप्त किया, जी समझ गए सर, 5 विद्यार्थी है बेटा और 5 अलग अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश मैथ साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी है, और बच्चे का नाम इधर लिखा हुआ है जीवा जस्टिन हेटल कुबेर आलिया, इन सभी बच्चों का नाम है। अब जो भी क्वेश्चन सबसे पहले अगर ये टेबल में सब कुछ सजा के दिया है तो इसको टेबुलर DI बोलेंगे, ये बात आपको पता है ना, जी सर वो तो पता है मुझे, टेबल का है तो टेबुलर है, 4 ही तरह का DI होता है, मैं आपको पहले बता दिया आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से। बोला सर हमको एवरेज ज्ञात करो, फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर इन साइंस बाई ऑल द स्टूडेंट, तो एवरेज का मतलब क्या समझाते बेटा बताओ सर, सभी का 5 लोग हैं, 5 बच्चे, 5ों को जोड़कर 5 से भाग देंगे एवरेज निकल जाएगा, 4 बच्चे होगा तो 4ों को जोड़ेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, ऐसे करके बोला है। चलिए ठीक है सर, है ना, सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा है ना, 5ों विद्यार्थियों द्वारा साइंस में प्राप्त अंक, यहाँ पे लिखो पहले, औसत तो निकाल ही देंगे, यहाँ लिखो
सभी छात्रों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंक में, है ना, विज्ञान में प्राप्त कुल अंक क्या करेंगे, जल्दी से जोड़ के दिखाना होगा कुल अंक आप सभी को। जी सर बता देंगे सर, साइंस में देखो सर हेटल का कितना है 69, बहुत बढ़िया सर। इसके आगे जाऊं हम बोले, हाँ एक का है क्या 80 है, तीसरा बच्चे का कितना बेटा सर 82 है, और चौथा बच्चे का आप देखें तो ये 80 है, और आखिरी बच्चे का अगर आप मार्क्स को देखें तो वो 75 है। तो सभी का एक बार हम फटाफट से जोड़ लेते हैं, जोड़ लें। अच्छा ठीक है सर, जोड़ लेते हैं। चलो सर ये 7 और यहाँ पे 7 कर दे, है ना, 7 7 14 और ये आप कितना होगा 8 3 24, 24 और 14 का मतलब हो गया 38, मतलब 380, और ये 4 और कितना हो गया बोलो सर, 4 और 2 6 386। एक बार जल्दी से जोड़ लेना सारे बच्चे, नहीं देखो यहाँ पे 9 और 5, सॉरी एक मिनट, 14 और 6, ठीक है 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6, कैरी 1 हो गया बेटा, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना सारे बच्चे के लिए, नहीं जोड़ते चल जाना सारे बच्चे। कैरी कितना था आपका सर, कैरी हमारा 1 था, तो यहाँ पे 7 और ये भी 7 करना, कैरी 14 14 और यहाँ से सीधा 24 को जोड़ देंगे तो 38 होगा, मतलब आ गया सर टोटल मार्क्स। ठीक, अब लिखो सर औसत, है ना, औसत मार्क्स क्या होगा, औसत अंक, है ना, विज्ञान की औसत अंक। औसत अंक लिखना पड़ेगा, औसत अंक। तो औसत कैसे निकालता है, थोड़ी देर पहले समझाए थे जी सर, है ना, विज्ञान में कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक, प्राप्त अंक अपन अपन क्या होगा बेटा बोलो, कितने विद्यार्थी है सर 5, तो क्या करो बेटा 5 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, है ना, या फिर लिखो, है ना, कुल विद्यार्थी की संख्या ऐसा लिख लो, कुल कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। अब आपको सीधा सीधा निकाल देना, क्योंकि है ना मान ले कि डीआई के हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। अजय सर तो यहाँ पे सर 386 है, और यहाँ से हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से क्या भाग दो सर, ये 5 से भाग दो, हमारे भाग दे दो, 5 7 35 बच गया कितना 3, और हो गया कितना 36, फिर 5 7 35, और ये हो गया पॉइंट का कितना 2, तो लिख सकते हैं अतः औसत अंक, है ना, अतः विज्ञान में सभी छात्रों का औसत अंक, अतः विज्ञान में सभी छात्रों, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, इतना सा आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्री में इस तरह के डीआई को देख के मार देते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा आपके लिए ना, तो ये आपको मेंशन करके दिखाना होगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। तो डीआई भी जो बच्चे को डरा रहा था, मैं चाह रहा हूं कि डीआई में लैंग्वेज कितना सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, एक बार आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। चलिए एक क्वेश्चन डीआई में और हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, आ जाओ। एक क्वेश्चन ये रहा, अब ध्यान सुनिएगा, बोला सर देखिए देखो हेतल जो बंदा है, हेटल का भूगोल का जो अंक है उसके कुल अंक में कितने प्रतिशत भूगोल का, ये बता दो। हाँ इंग्लिश में देख लो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेटल्स जियोग्राफी मार्क्स इन हिज टोटल मार्क्स। सबसे पहले बेटा हेटल का टोटल मार्क्स पता कर लीजिए आप, जी सर, और उसकी ज्योग्राफी का अंक पता कर लीजिए। देख लीजिए हेटल कहाँ पर है सर, यहाँ पर है, इसके ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पर सको सर, ज्योग्राफी में कितना लाया बोलो 85, तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा। तल का है ना, हेतल के भूगोल का मार्क्स, है ना, भूगोल में अंक कितना है या प्राप्त अंक लिखो, प्राप्त अंक, तो आप बता सकते हैं सर कितना अंक प्राप्त हुआ। जी सर हम बता सकते हैं, यहाँ पर एक ज्योग्राफी था, हेटल के नीचे देखे तो 85 था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखिए हेटल के, है ना, कुल प्राप्त अंक, है ना, हेटल के द्वारा कुल प्राप्त अंक, कुल मतलब सभी सब्जेक्ट में मिला के कुल प्राप्त अंक कैसे निकलेगा। अरे सर बहुत सिंपल है, हम बोले कैसे, अरे सर हेटल का देखिए ना सारे सब्जेक्ट का जोड़ देंगे और क्या, यही तो है, हम बोले हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, तो जोड़िए यहाँ पे, यहाँ तो हो जाएगा 54, आइए 54, 78, ये 82, आराम से जोड़ते चल जाना, ये हो जाएगा 76 और ये हमारा हो जाएगा सर 85, तो सबको एक बार फटाफट से जोड़ना चालू कर ले हम लोग। जी सर जोड़ लेते हैं, आ जाओ, पहले 10th प्लेस को जोड़ते हैं यहाँ पे सर, 8 8 16, ठीक है,
और सात दूनी कितना हो गया 14, 16 और 14 30 और 5 35 यानी 350 हो चुका है। रुक जाओ आगे, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो गया बेटा 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 और कितना हो गया 5 25। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ लेते हैं जल्दी से बताओ सर, उधर हमारा कितना था 350 प्लस 25 मतलब 375। तो कुल अंक हम लोगों ने जोड़ लिया, आप अंगुली पे जोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भूगोल में है ना, भूगोल का अंक प्रतिशत देखो यहाँ पे, भूगोल का अंक प्रतिशत कितना होगा बेटा, अंक प्रतिशत सर टोटल अंक कितना बताओ, कुल अंक कितना है बेटा 375 और डिवाइड बाय क्या करोगे 85, लेकिन परसेंटेज निकाल रहे हैं तो भूलिएगा मत कि 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो सर यहाँ से कटेगा, हम बोले हाँ बिल्कुल कटाना पड़ेगा, और नहीं कटेगा तो आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो कहीं रफ में जा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हालांकि रफ में करोगे तब कर सकते हो। यहाँ पे 375 है सर, ये हमारा 85 है और गुने क्या होगा बोले 100। तो जल्दी देख लो, 5 से कराओ सर, 17 बार में 5 से करा दो इसको, कितना बार में देखिए फटाफट से, 5 7 35, अच्छा ये कट जा रहा है 5 बार में से ना, 5 से करेगा 75 बार में, ठीक है। 75 गुने 100 मतलब क्या हो जाएगा 75 100, और इसको 17 से भाग दोगे क्या, जी सर भाग दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आएगा पॉइंट में छोड़ दो। 17 चौका हो जाएगा 68, बच कितना गया बेटा 7, 70, 17 चौका 68, बच गया 2, 7 दूनी है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से 7 दूनी 14, एक मिनट बचा कितना 8, तो 7 ठीक, अरे होल्ड करना यार है ना, तो है ना 442 पॉइंट, इसको एक बार नीचे लाऊं क्या, होल्ड करना बेटा है ना। तो यहाँ पे लिखो ना पॉइंट कितना होगा फिर, कितना बच रहा था 6, तो 17 दिया 51, तो मतलब लगभग आपका यहाँ पे देख लें 442 के आसपास आ गया, तो कैलकुलेशन कर लेंगे आपका, सही परसेंटेज में आ रहा था क्या, एक मिनट हो ना, तो परसेंटेज में कितना होगा सर 44, क्योंकि इस 100 को भूलिएगा मत ना बेटा, अभी हम परसेंटेज में निकाल रहे थे, तो 17 से भाग देती है तो यहाँ पे 44 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है ना, तो 44 पॉइंट, एक वो बैक करो बैक करो बैक करो, इसको कैलकुलेशन अच्छे से करो एक बार, होल्ड करना कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिए सारे बच्चे, 375 बटे 85 है और ये गुने क्या है बेटा 100 है, परसेंटेज को निकालने के लिए बड़ा सिंपल तरीके सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले तो 17 से कराएंगे 5 से करा दें, बोले हाँ 5 7 35 और 5 है 25, यानी कि ऊपर देख लें तो सर ये 75 100 को हम लोग 17 से भाग देते हैं, ठीक है सर, कितना प्रतिशत आने वाला है, 17 से भाग देना चालू करो, 17 चौका 68 नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ये बात देखना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, अरे उल्टा कर रहा हूँ यार, रुक जाओ, कोई मैं देख रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ यार, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना। देखो भूगोल का प्रतिशत, भूगोल का ऊपर रख लो है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भाई मिस्टेक कर दिया उल्टा, इसी में से उससे आके हो रहा है भाई, परसेंटेज 100 ज्यादा कभी आ नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला कहीं मिस्टेक चल रहा है हमारा ना। अरे ज्योग्राफी का पूछा, ज्योग्राफी ऊपर रख लो भाई है ना, ठीक है चलो आगे, ठीक। तो गाइस ज्योग्राफी का मार्क्स पूछा, ज्योग्राफी के ऊपर रख लेना है, और आपको क्या करना है बोलो सर, आपको टोटल को नीचे रख लेना, आप कैलकुलेशन कर लेंगे सिंपल, तो 85 बटे कितना हो गया 375 और गुने क्या कर लेंगे आप लोग 100 कर लेंगे, राइट। आ जाओ 25 से कराओ तो 4 बार में सर 25 से कट जाएगा, हम बोले हाँ कट जाएगा, 3 चौक 12 और ये 15 बार में कट जाएगा, 5 से कराई बेटा 3 बार में, 5 से कराओ 17 बार में, यानी कितना हो जाएगा 17 चौका 68 बटे कितना 3, अगर 23 करोगे लगभग लगभग 23% आएगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये 22 सही कितना बेटा 22 से 66 बचे कितना 2 बटे 3%, ठीक है उत्तर लिख दीजिएगा आप सीधा। तो सर यहाँ से जो हो जाएगा वो 22:2 हो जाएगा, अतः लिख लो है ना, अतः भूगोल में 22:2 अंक प्राप्त किया, हो गया आंसर, अंक प्राप्त किया आंसर हो गया, और क्या, ठीक। तो गाइस इस तरह से एक सेशन था जिसमें आपको बताया कि मैं आपको ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ओवरव्यू देखें तो मैंने कहां से शुरू किया था, एक बार सेशन को ओवरव्यू कर लो एक बार आप लोग, हमने वैदिक मैथ्स का एक क्वेश्चन उठाया था, बड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हमने इसको, उसके बाद हमने एक नंबर पर परसेंटेज का 2 मार्क्स सवाल उठाया था, नहीं 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था हमारा, हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी उठाया, हर एक चैप्टर को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टच करूँ मैं, ठीक है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, आपके 4 मार्क्स में आपके रेशियो के थे जो कि एज के ऊपर सवाल पूछा गया था, एक आपके यहाँ पे बेटा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसपे हमने चर्चा किया, और एक आपके यहाँ पे DI थे है ना बेटा, यहाँ पे DI क्वेश्चन था 2 हमने उठाया था, ठीक है। तो अगले सेशन में प्रयास करूंगा कि कुछ और टॉपिक्स को हम लोग टच करें, ठीक। तो जितने भी बच्चे अगर आप देख रहे हैं सेशन को तो प्रयास करिएगा कि अपने एक नोट्स बना लें ताकि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों बताना कि हाँ सर है ना जो मिथुन से सेशन ले रहे हैं काफी हेल्पफुल है वो,
ना, कोको जो वीडियो प्रोवाइड कर रही है मेंस में काफी हेल्प करेगा उन बच्चे को। हालांकि मेंस में क्वालिफाई करने वाले बच्चे की संख्या कम होती है प्री तुलना में, इसलिए स्वाभाविक है बच्चे कम तक ही पहुंच पाएगा बात, है ना। कोई बात नहीं, तो गाइस हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी इसका थर्ड पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाद रहो, जय हिंद जय भारत। Music